हाय, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। इसमें हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके निभाए गए किरदार हमारी यादों का हिस्सा बन गए, मगर उन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स पर्दे से दूर खुद किस्से कहानियों का हिस्सा बनकर रह गए। ऐसे ही एक एक्टर हैं दिनेश हिंगू, पूरा नाम दिनेश हिंगोरानी। अगर शॉर्ट में इनका परिचय जानना चाहें तो इतना समझिए कि इनका नाम सुनकर जॉनी लीवर भी हाथ जोड़ लेते हैं। एक दौर में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी एक्टर्स की लंबी चौड़ी जमात हुआ करती थी। महमूद से लेकर जॉनी वॉकर, जगदीप और पेंटल वाली लिस्ट में एक सीट दिनेश हिंगू के नाम पर भी बुक थी। बाकियों की तरह दिनेश हिंगू भी अपनी फिल्मी जर्नी पूरी कर उस बस से उतर चुके हैं। आज हम शुरू से दिनेश हिंगू की कहानी जानेंगे। दिनेश हिंगू का जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। फिल्म का चस्का इन्हें बचपन में ही लग गया था। जब स्कूल में पहुंचे तो नाटक ड्रामों में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज लेवल पर जाकर लगा कि अब क्राफ्ट को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। दिनेश कॉलेज में बड़ी गंभीरता से नाटक करने लगे। शुरू से क्लैरिटी थी कि फिल्मों में ही जाना है। इस चीज ने कोर्स ऑफ एक्शन को हमेशा अमल में बनाए रखा। 1963-64 के अराउंड दिनेश प्रोफेशनल एक्टर बनने मुंबई पहुंचे। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वो घर से भागकर मुंबई गए थे क्योंकि घर वाले फिल्म सिनेमा जैसी चीज़ों को बहुत सपोर्ट नहीं करते थे और अपने बच्चे का इस फील्ड में जाना उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। खैर, मुंबई पहुंचने के सीधे बाद लोगों को फिल्मों में काम कम ही मिल पाता है। सबको अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। दिनेश ने स्ट्रगल के साथ अपनी कला को तराशने के लिए थिएटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गुजराती नाटक कंपनी ज्वाइन की। इस नाटक कंपनी से मशहूर नाटककार चंद्रवर्धन भट्ट जुड़े हुए थे। दिनेश हिंगू के डेब्यू थिएटर प्ले को चंद्रवर्धन भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था। इस प्ले में दिनेश के साथ संजीव कुमार भी नजर आए थे। यहाँ से संजीव और दिनेश की दोस्ती की शुरुआत होती है जो काफ़ी लंबी चली। जब थिएटर से समय मिलता तो स्टेज शोज में हिस्सा लिया करते। अपने दौर के तमाम सिंगर और संगीतकारों यानी मोहम्मद रफ़ी से लेकर मन्ना डे और कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप्स के साथ स्टेज शो किया करते। ऐसे में उन्होंने किशोर कुमार के साथ लगातार 12 साल काम किया। इन शोज में वो स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे जो कि मिमिक्री तक ही महदूद रहा करती थी। बेसिकली दिनेश का काम शो शुरू होने से पहले समा बांधने का होता था। '67 में दिनेश हिंगू को उनकी पहली फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था तकदीर, जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में बन रही थी। भारत भूषण स्टारर ये फिल्म सिर्फ दिनेश की ही नहीं, फरीदा जलाल और जलाल आगा जैसे एक्टर्स की भी पहली फिल्म थी। फिल्म मेकर सुभाष घई ने भी फिल्म लाइन में अपना करियर एक्टर के तौर पर शुरू किया था। उनकी भी बतौर एक्टर तकदीर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में दिनेश हिंगू ने नेगेटिव रोल किया था। वो फिल्म के विलन बने कमल कपूर के हेंचमैन के किरदार में दिखे थे, मगर ये बहुत नोटिस किए जाने लायक किरदार नहीं था। 1973 में आई जया बच्चन स्टारर फिल्म कोरा कागज में दिनेश को अपना टैलेंट दिखाने का छोटा मगर अच्छा मौका मिला। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, मगर 1978 में आई नसबंदी वो पहली फिल्म जिसे देखकर लोगों को लगा कि दिनेश हिंगू अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। इसके बाद नमक हलाल ने दिनेश हिंगू को मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के चर्चित कॉमेडियंस में शुमार करवा दिया। इसके बाद कोई ऐसी हिंदी फिल्म नहीं बनती जिसके 3-4 सीन्स में दिनेश हिंगू नजर नहीं आते। इन 3-4 सीन्स के पीछे की कहानी हम आगे जानेंगे। अपने एक इंटरव्यू में दिनेश बताते हैं कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स फिल्मों में कॉमेडियंस की जगह खा गए। उनके कहने का मतलब यह था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में रोमांस से लेकर एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी सब कुछ खुद ही करते थे। ऐसे दौर में उस दौर की हिंदी फिल्मों में कॉमेडियंस के लिए कुछ खास जगह बचती नहीं थी, मगर 90 के दशक में अमिताभ और राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स का स्टारडम उतना नहीं रह गया था। इंडस्ट्री में नए लड़के आ चुके थे। इस समय इंडस्ट्री को दिनेश हिंगू जैसे कॉमेडियंस की ज़रूरत महसूस होनी शुरू हुई। दिनेश ने 90s में दिल, नरसिम्हा, साजन और बलवान जैसी फिल्मों में काम किया, मगर वही छोटे मोटे रेगुलर रोल्स। 1993 में अब्बास मस्तन की जोड़ी शाहरुख खान नाम के एक नए लड़के को लेकर बाजीगर फिल्म बना रही थी। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख, शिल्पा शेट्टी,
काजोल और जॉनी लीवर के साथ दिनेश हिंगू को भी कास्ट किया। इस फिल्म में एक सीन है जहां बाजोड़िया सेठ बने दिनेश बिना चाय पत्ती के चाय पीते हैं, क्योंकि बाबूलाल बने जॉनी लीवर चाय पत्ती लाना भूल गए थे। इस सीन में बाबूलाल और बाजोड़िया सेठ एक दूसरे को देखकर काफ़ी समय तक फर्जी हंसी हंसते रहते हैं। बाजीगर फिल्म का ये सीन बहुत हिट रहा। अब भी YouTube पर आपको इस सीन के कई मिलियन व्यूज मिल जाएंगे। इस सीन की सबसे खास बात थी दिनेश हिंगू की क्रेजी फर्जी हंसी। इस सीन ने एक तरह से दिनेश हिंगू को दोबारा कॉमेडी स्टार बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि वैसे हंसने का आइडिया उन्हें कैसे आया, दिनेश ने बताया कि उस पूरे सीन को कोरियोग्राफ तो डायरेक्टर जोड़ी ने की थी, यानी उस सीन में क्या और कैसे घटेगा ये सब कुछ अब्बास मुस्तन के निर्देश के हिसाब से हुआ था, मगर उस तरह से हंसने का आइडिया खुद दिनेश का था। वो नए नए मुंबई आकर गुजराती नाटक कंपनी से जुड़े थे, तभी उनकी मुलाकात शो के राइटर से हुई। उस आदमी की खासियत ये थी कि वो 1 किलोमीटर दूर खड़े जानकार आदमी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता था। कई बार उन्हें समझाया भी गया कि ऐसे ना हंसा करें, लोग डर जाते हैं, मगर उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी। दिनेश के दिमाग से में तब से ही वो राइटर और उनकी हंसी अटकी हुई थी। वही हंसी उन्होंने बाजीगर वाले अपने किरदार में इस्तेमाल कर ली। दिनेश हिंगू फिल्मों और स्टेज शोज में कॉमेडी कर रहे थे। इस समय में जॉनी लीवर आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ सड़क पर पेन बेचते थे। बाद में उन्होंने कई और तरह के छोटे मोटे काम किए, मगर उनका सपना महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडियन, निरेला वेणु माधव और दिनेश हिंगू जैसा आर्टिस्ट बनने का था। रॉकस्टार एल्विस प्रेस्ली की मिमिक्री के बाद जॉन राव का नाम बदलकर जॉनी लीवर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये परफॉर्मेंस हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में दी थी। अपने एक इंटरव्यू में जॉनी बताते हैं कि जब वो कॉमेडियन बनने मुंबई आए तो उनके सफर की शुरुआत भी स्टेज शो में कॉमेडी करने से हुई, और उन्हें स्टेज पर कॉमेडी करने का पहला मौका दिनेश हिंगू ने दिया था। बाद में जॉनी और दिनेश ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, मगर जॉनी दिनेश को अपना गुरु और सीनियर मानते हैं और बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका जिक्र बातचीत में करते हैं। दिनेश अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि जब भी कोई फिल्म शुरू होती उन्हें बुलाया जाता, डायरेक्टर उन्हें कुछ सीन्स बताते और कहते कि बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। उनके हिस्से के डायलॉग्स कभी उन्हें लिखकर नहीं मिले, बस उन्हें सीन का बैकड्रॉप बता दिया जाता था। इसलिए जितनी भी पुरानी फिल्मों में आप दिनेश की परफॉर्मेंस देखते हैं वो सब उन्होंने खुद से तैयार किए थे। यही चीज जॉनी लीवर के साथ भी होनी शुरू हुई। फिल्म कुली नंबर 1 के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर पहुंचे जॉनी ने यह बात बताई थी। उन्होंने बताया कि फिल्म मेकर्स उन्हें सिचुएशन बता देते और कहते कि सीन जमा देना, हालांकि उन्होंने ऐसे करने वाले किसी डायरेक्टर का नाम लेने से इनकार कर दिया। साल 1999 में बादशाह और हम साथ साथ है समेत कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें दिनेश हिंगू दिखाई दिए थे। साल 2000 में यह संख्या गिरकर 3 फिल्मों तक पहुंच गई। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 21 साल में वो सिर्फ 7-8 फिल्मों में ही नजर आए हैं। इसमें सनी देओल स्टारर इंडियन, मल्टी स्टारर नो एंट्री और कल्ट फिल्म फिर हेरा फेरी खास हैं। बाकी फिल्में या तो रिलीज नहीं हो पाई या रिलीज होकर पिट गई। अपने 4 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में दिनेश हिंगू ने हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषा की कुल 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अब दिनेश की उम्र भी 80 बरस के पार हो चली है। अब वो फिल्मों से दूर अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं, हालांकि अपने होम टाउन बड़ौदा से उनका कनेक्शन अब भी बना हुआ है। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।